2023 में NIT सिलचर में इस साल कितनी रैंक और कितनी परसेंटाइल पे 100% एडमिशन हो जाएगा, स्पोर्ट राउंड के कट ऑफ्स बता रहा हूँ मैं, सभी कैटेगरीज की और सभी ब्रांचेस की, होम स्टेट अदर स्टेट दोनों की बताऊंगा। और NIT सिलचर एक बहुत ही अच्छी NIT है, टॉप 10 NITs में आता है प्लेसमेंट वाइज भी और NIRF के अकॉर्डिंग भी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्पोर्ट राउंड कट ऑफ है, रैंक और परसेंटाइल दोनों बताऊंगा, रैंक लिखी है, परसेंटाइल कैलकुलेट करके बताऊंगा। और ये बिल्कुल फाइनल राउंड है, इसके बाद कोई भी कट ऑफ और लिस्ट नहीं आएगी, तो ये आपकी आखिरी उम्मीद है। CSAB स्पेशल राउंड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, होम स्टेट अदर स्टेट दोनों बताऊंगा। होम स्टेट पहले देखते हैं, सी टाइप ओपन मतलब जनरल, बट यहाँ पे मेल के लिए सीटें फुल है, फीमेल लिखा है जेंडर। क्लोजिंग रैंक मतलब हमारी जो कट ऑफ है वो 90,200 होने वाली है जेई मेंस की। और अगर मैं इसको परसेंटाइल में कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 90.8% अप्रोक्स, सॉरी ये हो, हाँ इतना ही होगा, 90.8%। बात करें EWS की तो 76,000, और अब होम स्टेट में सारी सीटें फुल। अदर स्टेट की बात करें 56,000, 57,000 अप्रोक्स 94%। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, जितनी कैटेगरीज हैं सारी CRL हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है, कैटेगरी रैंक कट ऑफ नहीं है, बट आपको आपके कैटेगरी का बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पर आप सब देख सकते हो, जनरल से कंपेयर कर सकते हो, कट ऑफ लो गई हुई है। फीमेल 84,000, बात करें EWS के लिए 61,000, EWS फीमेल 92,000, तो आप कंपेयर कर लो जनरल और EWS, 56 और 61, ऑब्वियसली कट ऑफ लो है, बस बट ये है कि ऑल इंडिया रैंक में आपकी कट ऑफ वो है, रैंक काउंट होती है। OBC देख लो 68,000 परसेंटाइल में कैलकुलेट करें 93%, फीमेल 110,000, SC फीमेल, ST। बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए तो होम स्टेट के लिए सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, और अदर स्टेट की बात करें 12,000 बहुत हाई कट ऑफ है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी NIT है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं ये नॉर्थ ईस्ट में है, असम में है, तो इतनी अच्छी नहीं है, बट इनफैक्ट बहुत अच्छी NIT है। इसकी फुल प्लेसमेंट्स डिटेल मैंने ब्रांच वाइज कर रखी है, अपने चैनल पर जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर प्लेलिस्ट में भी। अगर मैं परसेंटाइल में कैलकुलेट करूँ इसको तो ये हो जाएगा 98.5%, EWS 15,000 98.2%, OBC 16,000, अगेन उतना ही ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। ST बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, होम स्टेट 54,000 अप्रॉक्स 94.1% के अराउंड, EWS 62,000 अप्रॉक्स 93.5% के अराउंड, अदर स्टेट 46,000 अप्रॉक्स 95%, बट ये फीमेल है लिखा हुआ है क्लियरली, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैंने ये कहीं लिखा नहीं है, इंस्टेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, लॉजिक आपको पता होना चाहिए बस। और यहाँ पर देखो, इस साल 9.4 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे अप्रॉक्स, आप 90% निकाल दो, वो 90% हो गया। सपोज अगर आपकी 90% है, मतलब 90% स्टूडेंट्स आपसे पीछे हैं 9.4 लाख में से। बाकी आप सब यहाँ पर अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो अपने कैटेगरी या फिर जो देखना चाहते हो, वीडियो फास्ट लग रही है तो स्लो करके देख सकते हो। होम स्टेट में ज़्यादातर सीटें फुल हो चुकी हैं, ऑब्वियसली होम स्टेट पहले फुल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें, होम स्टेट में सिर्फ ST है 1,72,000, बट वहीं बात करें अदर स्टेट में जनरल है 19,000 अप्रॉक्स 97.8% के अराउंड। यहाँ पर इसलिए देखो, होम स्टेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होम स्टेट NIT ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि कट ऑफ लो जाती है तो अच्छी से अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस होते हैं। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि होम स्टेट ज़्यादा प्रीफर करना, उसमें आपको चांसेस ये रहते हैं कि बेटर ब्रांच मिल जाए। लेकिन अगर आपको अदर स्टेट और होम स्टेट में सेम ब्रांच मिल रही है और अदर स्टेट में एक बेटर NIT है, तो आप अदर स्टेट की तरफ बिल्कुल जा सकते हो, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, होम स्टेट में अगेन ओनली ST 2,21,000, बात करें अदर स्टेट के लिए 26,000, जो कि परसेंटाइल में 97.1%, फीमेल 45,000 अप्रॉक्स 95%, बात करें EWS 32,000 अप्रॉक्स हो जाएगा 96.5%, OBC 32,000 अगेन 96.5%, OBC फीमेल 54,961 अप्रॉक्स 94%, SC ST अच्छे से आप स्टॉप करके देख सकते हो। बात करें मैकेनिकल के लिए, होम स्टेट में EWS है सिर्फ 70,000 अप्रॉक्स 92.7%, अदर स्टेट की बात करें 42,000 अप्रॉक्स 95.5%। यहाँ पे देखो, सिर्फ NIT सिलचर की नहीं, इससे ऊपर जितने भी NITs है सबकी मैंने ऐसे ही कट ऑफ्स कर दी हैं, और सभी NITs, IIITs, GFTI की स्पोर्ट राउंड कट ऑफ करूँगा और सभी IITs की लास्ट राउंड कट ऑफ्स करूँगा।
बाकी अगर आपको फर्स्ट राउंड की कट ऑफ चेक करनी है तो मैंने सभी IITs, NITs, IIITs, GFTI की कर रखी है, रीसेंट अपलोड्स में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। और कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, रैंकिंग्स, प्लेसमेंट्स, इन सब पे वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस ही सिर्फ मैं ही लेके आता हूँ और डेली लेके आता हूँ। और इंपॉर्टेंट नोटिसेज भी लेकर आता हूँ एडमिशन से रिलेटेड, सपोज़ आज या कल तक की डेट है तो उसके लिए यार मैं ही इन्फॉर्म करता हूँ, तो बेल आइकन प्रेस कर देना, वरना फिर डेट आउट जाती है तो फिर आपका ईयर वेस्ट हो जाता है या फिर बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर देते हो। कुछ भी पूछना है बताना हो कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, पर्सनल आईडी है। वीडियो जरा सी पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक जरूर कर देना यार, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।